कोरोना महामारी के दौरान जेल से जमानत और पैरोल पर छोड़े गए कैदियों को 2 से 13 नवंबर के बीच आत्मसमर्पण करना होगा। विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को कोरोना के दौर में दी गई राहत को हाई कोर्ट ने अब समाप्त करने का फैसला किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की फुल बेंच ने यह तय किया है कि जिन भी कैदियों को कोरोना के चलते जमानत या फिर पैरोल दी गई थी वह 31 अक्टूबर को समाप्त कर दी जाएगी। 2 नवंबर से 30 हजारी अदालत में आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 13 नवंबर तक सभी कैदियों को जेल में वापस लौटना होगा। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना का दौर अब खत्म हो गया है और जमानत और पैरोल की जो बार बार अवधि बढ़ाई जाती रही है उस पर विचार कर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि कोरोना का दौर अब खत्म हो चुका है, कोरोना के अलावा जो जमानत और पैरोल के कारण है वह जारी रहेंगे। हाईकोर्ट में दिल्ली दंगों की पैरवी से जुड़े एक अभियोजक ने अर्जी दायर कर कहा था कि दिल्ली दंगों के कई आरोपी कोरोना की दलील देकर जमानत ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए हैं उन पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। शुक्रवार को हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 31 अक्टूबर तक राहत समाप्त करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जमानत या फिर पैरोल पर छोड़े गए तमाम अपराधियों में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान फिर से अपराध करना शुरू कर दिए हैं और पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई अपराधियों को पकड़ा है जो कोरोना की वजह से जमानत पर बाहर निकलकर दोबारा से अपराधों में संलिप्त हो गए थे और इसीलिए ऐसे लोग अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की चिंताएं कुछ कम अवश्य होंगी। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।